हेलो दोस्तों, ये है मोटोरोला G73 जो कि रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। आज इस फ़ोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आई होप कि आप सभी ने कर लिया होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो यह बैक साइड प्लास्टिक बॉडी के साथ आती है, एंड फ्रेम भी इसकी प्लास्टिक की है। इसमें काफ़ी अच्छी वाली प्लास्टिक यूज किया गया है जो कि ग्लास की फील दे रही है, और इसमें IP52 का रेटिंग है जिससे फ़ोन में पानी की कुछ छींटे पड़ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं पोर्ट्स एंड बटन की। तो ऊपर के साइड नॉइस कैंसलिंग माइक है, नीचे स्पीकर ग्रिल USB टाइप सी पोर्ट एंड 3.5 mm की जैक है। राइट साइड पावर ऑफ ऑन एंड वॉल्यूम रोकर्स है, और लेफ्ट साइड सिम कार्ड ट्रे है जिसमें 2 सिम कार्ड लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इन हैंड फील की। तो यह 7.3 mm की थिकनेस एंड 180 ग्राम की वेट है जिससे फोन को हाथ में पकड़ने से काफी हल्का स्लिम फील होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो यह 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है विद सेंटर पंचवल के साथ। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 85.6% है जो कि साइड साइड के बेजेस काफी हल्के हल्के दिख रहे हैं। एंड इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है जिससे फोन को चलाते समय काफी स्मूथनेस फील होगी। इसके अलावा इसमें पांडा की स्क्रीन प्रोटेक्शन है और 1000 nits की ब्राइटनेस है जो की फोन को आउटडोर भी यूज करने से काफी क्लियर दिखेगी। और इसमें फेस अनलॉक एंड साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफी फास्ट है। इसके अलावा इसमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट है एंड 405 का PPI डेंसिटी है जिससे डिस्प्ले की कलर कॉन्ट्रास्ट काफी नेचुरल लगेगी। और इसमें स्टीरियो स्पीकर है तो वीडियो वगैरह देखने का एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छी रहेगी। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में काफी अच्छी फोन है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। ये 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आती है जिसको चार्ज करने के लिए मोटोरोला ने 30 वाट की चार्जर बॉक्स के साथ देती है जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस की। तो यह डुअल कैमरा सेटअप के साथ आती है जो कि प्राइमरी कैमरा 50 MP की है एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 MP की है एंड इसमें डेप्थ सेंसर भी है। सेल्फी कैमरा 16 MP की है कि रियल कैमरा एंड सेल्फी कैमरा दोनों से ही आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें कई सारे मोड एंड फीचर्स दिए हैं जैसे कि HDR पैनोरामा आप यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। 930 का पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसकी एंटूटू स्कोर 4 लाख+ है जिसमें आप फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, हाई टू अल्ट्रा सेटिंग में लॉन्ग टाइम गेमिंग कर सकते हो। डे टू डे यह हवा से बातें करेगी। इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आती है जिसमें 1 साल की मेजर अपडेट एंड 3 ईयर्स की सिक्योरिटी अपडेट है जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। यह 13 बैंड को सपोर्ट करती है। इसमें वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.3 है, 12 4G वोल्टी का सपोर्ट एंड फाइनली NFC का भी सपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो यह एक ही वेरिएंट में आती है 8+128 जिसकी प्राइस है 18999। इसमें ऑफर वगैरह लगा के आपको 16999 में आसानी से मिल जाएगी। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको यह प्राइस कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।